Hello, my dear students. Good evening to all of you. This is DK Mishra standing before you to welcome to all my students to the online coaching. My dear students, I am willing to give you my best, the third lesson of literature. Okay, my dear students, come on to the live class. Just without being late, I want to welcome to all my students. Okay, Radhika Tiwari, I am fine and just hope that you will also be fine. Okay, Agaya, just I am present before you, my dear. Okay, without being, just you should try to attend your class. Good evening to all of you, my dear. Good evening, Vinay, okay, Ajay, Shruti Sheth, Anpurna, Kaushal, Animesh, Rock, Sonam, Swayab, Divyanshu, and many other students. Okay, just come on to the live class, Neeraj, Amit, Ankit, and many other students. Okay, my dear, let us install the topic. Today, I am willing to teach you literature. आज मैं माय डियर आपको लिटरेचर पढ़ाना चाहता हूं. इस लिटरेचर फॉर्म को बहुत ही केयरफुली सुनने का प्रयास करेंगे. लिटरेचर में आपको ये डीप वाटर प्रोज का आपका थर्ड लेसन है. ये माय डियर ये प्रोज का लेसन है. प्रोज मींस फ्लेमिंगो. ओके, ये प्रोज है फ्लेमिंगो. ये फ्लेमिंगो यानी ये प्रोज का लेसन है. प्रोज का लेसन है माय डियर डीप वाटर, गहरा पानी. एंड द राइटर इज विलियम डगलस. इसके राइटर विलियम डगलस हैं, जिनके बारे में थोड़ा मैं. विलियम डगलस वाज बोर्न इन मैनिसोटा आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. ये आर्ट साइड के स्टूडेंट थे. इंग्लिश और इकोनॉमिक्स इनका मेन सब्जेक्ट था माय डियर. ही स्पेंट टू इयर्स टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा में उन्होंने पढ़ाया. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर. उन्होंने एक बहुत अच्छे परस्यू माने पीछा करना मानना, एक लीगल कैरियर की इन्होंने शुरुआत करने का प्रयास किया. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. वो रूजवेल्ट से मिलते हैं और प्रेसिडेंट के वो बहुत अच्छे एडवाइजर बन जाते हैं और फ्रेंड बन जाते हैं. डगलस वॉज द लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. जो पर्सनल राइट्स होते हैं, अधिकार. राइट माने ठीक होता है माय डियर, और राइट्स माने अधिकार होता है. राइट माने तो ठीक होता है, राइट्स माने अधिकार होता है. यस बेटा, इस हफ्ते बिहार बोर्ड का चलाऊंगा. मंडे के बाद बिहार बोर्ड का चलेगा. दो दिन मंडे के बाद मैं बिहार बोर्ड का पढ़ाऊंगा जरूर. श्योर 100% चले. तो आगे बोलता है यहां पर माय डियर, आगे बोलता है क्या, थोड़ा इनके बारे में फिलॉसफी है. माउंटेन्स और विलियम डगलस ना, ये रिवील्स करते थे जो नेचुरल इनहेबिटेंस होता था, नेचुरल एटमॉस्फेयर होता था. ही वॉज द फॉलोअर ऑफ दोज एक्टिविटीज माय डियर. ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा. नोटिस यहां से, यस, ये और ये है क्या, इसके बारे में पहले सुन लो. राइटर विलियम डगलस अपनी ऑटोबायोग्राफी एक तरह से बता रहा है और कहता है इस लेसन में कि व्हेन ही वाज अप्रोक्सिमेटली 11 ईयर स्टूडेंट, 11 ईयर बॉय, ड्यूरिंग द टाइम ही वाज वेरी मच टेरिफाइड टू द वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर. ये बचपन से गहराई, जो गहरा पानी होता है, उस गहरे पानी से इसका बहुत भय हुआ करता था, बहुत डरा करता था. माय डियर, कुछ ना कुछ फोबिया हर इंसान के माइंड में होता है. कुछ लोग हवा को चलते हुए बहुत देख के डर जाते हैं, कुछ लोग आग की फ्लेम से डरते हैं, और राइटर पानी की लहरों से बहुत डरता था. बट ही वॉज डिटरमाइंड टू रिमूव द टेरर फ्रॉम हिज माइंड थ्रू द वाटर. पानी से अपने भय को कैसे निकालना चाहिए ये बताना चाहता था. ये इसको अपने आप में दूर करना चाहता था. राइट, ये क्या करता है, डिसाइड करता है कि एक बहुत अच्छा
से एक पूल होता है, उस पूल में जाएगा जो बड़ा सेफ था, सेफ जोन का था, और उस पर जाकर के अपनी टेरिफाइंग कंडीशन को वहां मिटाएगा, उसमें तैराकी करेगा। बट वहां सोच ही रहा था, बैठा था, कि उसी समय 18 वर्ष का एक बच्चा होता है और वो 18 इयर्स का लड़का आकर के मजाक मजाक में इसको पुश आउट कर देता है और ये पानी में इसको धक्का देता है। हाँ, ये देखो ऑल राउंडर है, एक बार पानी में डूब भी गए थे, समझे? यस। तो ऐसी कुछ आप लोग सब लोग ना कहीं से, चलिए मैं आप सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे विश कर रहे हैं, मैं सबको एक साथ विश कर रहा हूं, माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो राधिका तिवारी, बहुत ध्यान से सुनिए। तो ये किसी तरह जब उसमें गिर जाता है, आप सोचो बिना प्लान के जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो यू शुड ट्राई टू मेक अ ग्रेट एफर्ट फॉर दैट। आप बहुत अच्छा प्रयास करते हो अपने आप को बचाने के लिए, बहुत अच्छा प्रयास करते हो, बहुत बेहतर प्रयास करते हो। उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया माय डियर। पहले तो पानी में नीचे डूबता है, फिर पंजे के बल ऐसे जंप करना चाहता है, जंप करता है, किसी भी प्रकार से अपने आप को सेफ जोन में करना चाहता है। लास्ट में जब इंसान दिलोजान से कोई कार्य करता है ना, पूरे कंसंट्रेशन और पूरे एफर्ट से जब कोई काम करता है इंसान, नो डाउट दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लास्ट में राइटर की बहुत लंबी कहानी है और इतना बड़ा तैराक बना कि पूरे विश्व में इसका नाम फेमस हो गया, विलियम डगलस का। ही वॉज अ ग्रेट डाइवर एंड स्विमर। केवल स्विमर ही नहीं बना माय डियर, डाइवर बन गया, डाइवर, DIVER। डाइवर का मतलब होता है डूब कर जो गोते लगा ले, जो डूब कर गोते लगा लेता है उसको डाइवर बोलते हैं, राइट? क्यों भाई, समझ में आ रहा ना? आप जा सब, सब समझ गए ना, स्विमर और डाइवर में क्या अंतर है, जल्दी बोलो। बैड शटर, ये क्यों है, आप कैसे कहते भाई? आप भी मेरे स्टूडेंट हो एंड शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, कैसे इसको? नहीं नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये बिहार बोर्ड का नहीं है, ये यूपी बोर्ड का है माय डियर, ये यूपी बोर्ड का है, राइट? चलो आगे सुनो प्लीज। नहीं नहीं, बैड सटर, बैड सटर यार, आपका तो नाम ही बैड है। बैड सलाह मेरे को दे रहे हो यार, गंदी बात, गंदी 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 बात। चले आगे सुने, आगे सुने। चलो श्रुति, आप प्लीज, आप नो कमेंट्स बाय यू, आप कोई कमेंट मत करो, आप कोई कमेंट मत करो, ठीक है ना? लेट मी स्पीक, आप उनको बोलने दीजिए, आप मत कमेंट करिए। चलिए, तो पानी के अंदर किसी तरह वो तैर कर बचाता है और अपने आप को सेफ जोन में कर लेता है। चले मैं अब एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें। चले, हाँ, गोताखोर, गोताखोर, समझ रहे ना? गोताखोर ड्राइवर माने होता है गोताखोर माय डियर। और सब लोग जानते ना गोताखोर किसे बोलते हो, बोलो, गोताखोर किसे बोलते हो? जो पानी के अंदर स्विमिंग करता है, अपने आप को स्ट्रेस करता है, मूव करता है, क्रीपिंग करता है, उसको ड्राइवर बोलते हैं, गोताखोर, उसी को ड्राइवर बोला जाता है माय डियर। चलिए, योगेंद्र कुशवाहा जी हमारे नए स्टूडेंट हैं, आप अगर न्यू स्टूडेंट है माय डियर तो आप तत्काल हमारे TOC लर्निंग ऐप पर जाकर ऐप बैच को ज्वाइन कर लो, शुरू से अंत तक सारा सिस्टमेटिक वीडियो भी पाएंगे, लिटरेचर ग्रामर सब PDF वगैरह सब कुछ मिलेगा उसमें, शून्य से शिखर तक मैं पढ़ाऊंगा आपको, राइट? तो आपकी इच्छा हो तो उस पर भी ज्वाइन कर लो और इधर भी देखते रहो, राइट? एकदम रट जाएगी, ग्रामर रटा दूंगा, चैलेंज कर रहा हूं मैं। चले अब मैं स्टार्ट करता हूं माय डियर, स्टार्ट करता हूं, सो बी डिटरमाइंड फॉर दैट। चलिए, आई हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, इट हैड हैपेंड, मेरे साथ एक घटना घटी। कब घटी? जब मैं लगभग 11 या 10 साल का एक बंदा था। I had decided to learn to swim. मैंने decide किया कि मुझे swimming करना है. Swimming. कितने लोगों को swimming आती है? Swimming बहुत बड़ा exercise होता है my dear. मैं life में बहुत सीखा लेकिन सीख नहीं पाया आज तक.
क्योंकि ट्यूबवेल की जो पानी की टंकी होती थी ना, उसमें मैं स्विमिंग करता था, कैसे सीख पाऊंगा? या तो पांड हो या तो रिवर हो, स्विमिंग आप सबको आती ही ना, स्विमिंग बोलो भाई, कितने लोगों को स्विमिंग आती है, जल्दी से बोले फटाफट, स्विमिंग कितने लोगों को आती है? तो इस लेसन को आप बहुत बेहतरीन समझेंगे। अच्छा, आपको नहीं आती, ऑलराउंडर को नहीं आती, पीताम्बर को आता है, वेरी गुड यार, रजत सिंह को आता है, आप मयंक त्रिपाठी को आता है, जितेंद्र को आता है, रजत, वेरी गुड वेरी गुड, वरुण, वरुण बेटा आपको भी आता है, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को आता है स्विमिंग, मुझे ही नहीं आता बस केवल यार, मुझे भी सीखना पड़ेगा। अंगद यादव है भाई, अंगद यादव, अंगद हमारे, अंगद डोंट वरी, आपको बस इस हफ्ते से मैं पढ़ाऊंगा, बिहार वाला इस हफ्ते से चलेगा, डोंट वरी। ओके ओके, चले मैं अब स्टार्ट करता हूं माय डियर, आगे क्या होता है जरा सुनिएगा। There was a pool, एक पूल माने तालाब होता है, पूल माने क्या होता है माय डियर, इसको छोटा कर लूं मैं, पूल माने होता है तालाब। एक तालाब था एट द YMCA इन याकिमा, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी माने अवसर या मौका, अवसर या मौका, एक मौका मिल रहा था उसमें एग्जैक्टली कि मैं ऑफर करूं, उसमें जाऊं और बेहतर मेरे लिए होगा। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और याकिमा जो रिवर थी बड़ी ही ट्रेचरस थी, और यहां माय डियर ट्रेचरस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है, यानी जिसमें ट्रेचरस का मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर्स विच कॉन्ट बी मेजर्ड, ऐसा यानी जिसके बारे में पानी का अंदाजा ही ना लगाया जा सके कि कितना पानी है और कितना खतरा है, बेअंदाज कह सकते हो, बेअंदाज बेअंदाज, मगर कॉन्टिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट, मेरी माँ ना लगातार मेरे को वार्निंग कर रही थी कि ऐसा मत करो, एंड केप्ट फ्रेश इन माय माइंड द डिटेल्स ऑफ हिज ड्राउनिंग इन द रिवर। ड्राउनिंग माने होता है डूबने वाला, डूबने वाला। मेरी माँ जो थी ना माय डियर, मेरी माँ प्रत्येक डूबने वाला जो कंडीशन होती थी, डूबने वाली, उसके बारे में वो मुझे बताती थी, डूबने वाली कंडीशन के बारे में, 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, और 2 या 3 feet गहरी, शैलो एंड थी, शैलो एंड यानी 2-3 feet गहरी थी, एंड वाइड, एंड वाइड इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, माने वो जो पूल था उसका कुछ किनारा तो 2-3 feet गहरा था, लेकिन कुछ किनारे पर 9-9, 8-8 feet की डेप्थ थी। 8 feet के डेप्थ में पानी अगर होगा माय डियर तो क्या होगा, निश्चित रूप से इंसान डूबेगा। डीप अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेडुअल, और ड्रॉप जो था वो लगातार, ग्रेडुअल माने क्या होता है, लगातार लगातार लोगों के डूबने का सिलसिला वहां पर जारी हुआ करता था। अक्सर लोग क्या होते थे माय डियर, अक्सर लोग वहां पर डूब जाया करते थे, राइट, अक्सर लोग वहां पर क्या होते थे, अक्सर लोग वहां पर डूब जाया करते थे, राइट, यानी जो कहता है ना कि द ड्रॉप वाज, यानी एक तरफ से नदी छिछली थी और आगे जैसे से जा रही थी थोड़ा ढाल था। I got a pair of water wings and went to the pool. Water wings मैंने लिया और मैं तालाब की ओर गया। I hated to walk. मैं हेट करता था, नफरत करता था to walk. और आगे ये पिक्चराइजेशन दे रहा है, ये I hated to walk the naked. नेक्ड ये बोलता है, उस कंडीशन में मैं घृणा करता था नेक्ड इनटू, मैंने उसमें प्रवेश करने में, एंड शो माय स्किनी लेग्स, और स्किनी लेग्स, और अपनी स्किन माने पतली दुबली जो लेग्स मेरे पैर थे, मेरी टांगे थी, उनको दिखाने में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम थी, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड माने जीत लेना, मैंने अपने वादे को जीत लिया, एंड प्राइड को, एंड डिड इट, और मैंने ऐसा किया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो थोड़ा बॉडी का शो, बॉडी शो नहीं कर पाते हैं, प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, यानी अब
बहुत कम कपड़ों में शॉर्ट कपड़े पहन करके वो ओपन एरिया में नहीं जा पाते। कहीं ना कहीं से लोगों के मन में फीलिंग्स आती हैं ऐसी, ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं कैसे करूं, ये करूं, वो करूं, कहीं ना कहीं से लगातार वो लोग इसको झेलते हैं। लेकिन राइटर क्या कहता है कि मैंने उस पर अपना विजय पा लिया, यानी मैं उसको जो नहीं चाहता था वो मैं कर बैठा। सेंस ये है, From the beginning, शुरू से, however I had an aversion to the water when I was in it. Aversion का मतलब होता है घृणा, घृणा। पहले से ही वो घृणा थी मेरे मन में पानी से, when I was in it, जब मैं पानी में जाया करता था। This started when I was 3 or 4 years old. मैं जब 3 या 4 साल का था, तो this type of activity was happened to my mind. ऐसी एक्टिविटी मेरे माइंड में चल पड़ी, ऐसी एक्टिविटी मेरे माइंड में चल पड़ी। क्यों श्रुति जा रही है? श्रुति सिस्टर जा रही है। क्यों जा रही है? श्रुति तो अभी दिख रही थी मुझे, क्यों जा रही है? नहीं जाना चाहिए, चले। हाँ, आगे सुनिए। वाटर व्हेन आई वाज दिस स्टार्टेड व्हेन आई एंड बोलता है माय फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। बीच माने क्या होता माय डियर? बीच माने होता समुद्री किनारा, समुद्री किनारा। कैलिफोर्निया में जो समुद्री किनारा था, उस समुद्री किनारे पर मेरे फादर मुझे ले जाया करते थे, राइट? समुद्री किनारे पर मेरे फादर मुझे क्या करते थे? ले जाया करते थे। अमर सिंह चलिए आ गए भाई, कौन है ड्रामेबाज थोड़ा बताओ यार। हाँ चले, छोड़िए, आगे देखिए। हाँ राधिका, उसको बुला लो, आप किसी एनी हाउस को बुला लो, सुधी को बुला लो, बोलो सर बोल रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, इतने में उसको नहीं फील करना चाहिए, ईगो नहीं लेना चाहिए, बेकार ही है। आगे सुनेंगे, She and I stood together in the surf. Surf का मतलब होता है झाग, जो फोम होता है, फोम। यानी मेरे फादर और मैं दोनों सर्फ के सर्फ पर खड़े हुआ करते थे। कहाँ खड़े होते थे? दोनों सर्फ पर खड़े होते थे, जो फोम होता था उस फोम पर खड़े होते थे। आगे बोलता है आई हंग ऑन टू हिम, और मैं डर के मारे अपने फादर को पकड़ लेता था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और तब भी लहरें जो होती थी, लहरें वो मेरे को गिरा देती थी। सर्फ का मतलब होता है, मैंने बताया ना माय डियर, आप जो सर्फ एक्सल यूज करते हो ना, डिटर्जेंट, सर्फ का मतलब होता है झाग, झाग, जिसको फोम कहते हैं, फोम। ये FOAM, इसका सिनोनिम है पर्यायवाची, और इसका मतलब होता है झाग, राइट? वो सर्फ जो था, आई हंग ऑन टू, मैं अपने फादर को पकड़ लेता था, यट द वेव्स, फिर भी लहरें मेरे ऊपर से निकलती थी, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे को छोड़ करके आगे बढ़ जाती थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, बरीड माने होता है दफना जाना, यानी दफन हो जाना, दफन हो जाना। बरीड पानी, आई माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें रुक जाती थी। क्या होती थी माई डियर? मेरी सांसें रुक जाती थी, कहता है इतना टेरिफाइड हो जाता था कि मेरी सांसें क्या हो जाती थी, मेरी सांसें रुक जाती थी, राइट ना? आगे बोलता है, नेक्स्ट वन बोलता है आई वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड माने होता है डरा होना, डरा होना, मैं बहुत डर जाता था। फादर लॉफ, मेरे फादर हंसते थे, बट देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट, लेकिन मेरे हर्ट में कहीं ना कहीं से टेरर होता था, भय होता था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जब लहरों को जीतने की बारी आती थी, कहता है कि लहरों ने मेरे हर्ट को भयभीत कर दिया था। I was much terrified to see the waves. जैसे एक बार कोई आदमी पानी में, समुद्र में, नहर में, नदी में, right? आप कौन है? एक योद्धा अमन वर्मा। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ध्यान दे रहा हूं।
एक योद्धा अमन वर्मा, अमन वर्मा जी क्या चाहते हैं, राइट right? चलिए, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, नो डाउट। अब आप लोग समझो जरा सा, किसी मतलब एक बार स्क्रीन जाती है तो किसी का नाम जो है, जो जेनुअल नाम होते हैं जैसे अमर, सोनाली, चंद्रकला, ऐसे यानी स्टार्टिंग में से जिनका सिस्टम सही होता है वो नाम आंखों में पहले इफेक्टिव होते हैं, इसलिए टीचर उनको बोल देता है। अब आपका नाम है एक योद्धा, पहले बड़ा सेट करके उसको मुझे आंखें लगा के पढ़ना पड़ेगा और तब जाके मैं पढ़ पाऊंगा, थोड़ा सा इन चीजों को भी फील किया करें। ये साइकोलॉजिकल, जैसे अन्नपूर्वा लिखा, क्या लिखा है, अनुपमा, तो अनुपमा यादव है, राइट, सोनम जैसे हैं, बड़ा आसानी से मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना, रूपमा है, देवेश यादव है, मैंने फट से पढ़ लिया, बैट सटर को भी पढ़ लिया। अब आप में एक योद्धा अमन वर्मा इतना लंबा चौड़ा लिख देते हैं कि टीचर को कंसीडर ही नहीं होता, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड जस्ट यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, योर ओन लैंग्वेज, सो दैट आई मे कंसीडर। ओके ओके, चले आगे दिखता हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा माई डियर। हाँ चलिए, अभिषेक सिंह आपका भी वेरी गुड। चलिए आगे यहां पर बोलता है कि माय इंट्रोडक्शन टू द YMCA, इसको मैं हटा देता हूं, आगे बढ़ाता हूं। ये कहता है माय डियर, माय इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर। कहता है वाई इंट्रोडक्शन जो मेरा है YMCA की जो स्विमिंग पूल है, रिवाइव्ड माने वो जागृत कर देता है अनप्लीजेंट मेमोरीज, खराब यादों को जागृत कर देता है, एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स, और मेरे अंदर एक बचकाना भय को जागृत कर देता है, भर देता है। बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गेदर कॉन्फिडेंस, बड़े कम समय में मैंने क्या कर लिया, बहुत कम समय में मैंने कॉन्फिडेंस लगा लिया, क्या कर दिया, विश्वास मेरे मन में, कुछ ही समय में मेरे अंदर विश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने पैडलिंग किया उसको अपनी वाटर विंग्स को, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और मैंने देखा कि बहुत से लड़के क्या कर रहे थे, बहुत से लड़के पैडल कर रहे थे, पानी में चल रहे थे, और उनकी मैं क्या कर रहा था, और मैं कर क्या रहा था, एपिंग देम, एपिंग माने होता नकल करना, किसी चीज की नकल करना, और मैं उसकी नकल कर रहा था। I did this, मैंने ये काम किया 2 or 3 times, 2-3 times on different days, अलग अलग दिनों में, भाई एक जगह जाए, चार बच्चे खेल रहे हैं तो दिख के कॉपी कर रहा है, and was just beginning to feel at ease in the water, मैं महसूस करने लगा, शुरुआत में ही महसूस करने लगा कि when the misadventures happened, कि मेरे साथ कहीं कोई दुर्भाग्य ना हो जाए, misadventures का मतलब है दुर्भाग्य या दुर्घटना, कहीं मेरे साथ कोई घटना जाए, मैं इस बात को लेकर के बहुत परेशान था। misadventure का मतलब ये होता है दुर्घटना, मेरे को कहीं दुर्घटना ना हो जाए। आगे बोलता है माय डियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं उस टाइम पर तालाब के पास गया जब कोई नहीं था। माय डियर बोलो कब गया, जब कोई नहीं गया था, जब कोई नहीं गया था, वहां मौजूद ही नहीं था, तब जाकर के ये वहां पर पहुंचा। चले मुस्कान चौरसिया, सुने ना आप लोग, सब लोग समझ में आ रहा है ना सबको, बोलो आगे सुनिएगा। बैट्समैन कुछ कर रहा है भाई, द प्ले आगे बोलता है, द प्लेस वाज क्वाइट, द क्वाइट क्वाइट माने शांत, स्थान बिल्कुल शांत था, द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था, and the tiled bottom was as white as clean as bathtub, और जो पानी के यानी पूल के नीचे जो क्या थी, टाइल्स थी, टाइल्स वो इतनी स्वच्छ दिख रही थी, लगता था बाथरूम में रखा हुआ टब का पानी हो, that was so clear, I was timid about going in alone, timid माने होता कायर, timid माने क्या होता my dear, कायर,
कहते हैं मैं कायर हो गया था, मैं कायर था अबाउट गोइंग इन एलान, अकेले जाने में, यानी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस पानी में मैं अकेले प्रवेश करूं, पानी में अकेले प्रवेश करूं, ये मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। क्यों भाई? आप लोग बताओ, जहां चार लोग स्नान कर रहे हैं वहां तो हिम्मत पड़ जाएगी, क्लियर दिख रहा है, लेकिन जहां ना हो कोई वहां क्या हिम्मत पड़ेगी? आप बताओ क्या वहां हिम्मत पड़ेगी? जल्दी से बोले, जल्दी बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। वहां पर शायद हिम्मत ना पड़े, शायद हिम्मत ना पड़े, समझ रहे ना आशीष जी, शायद हिम्मत ना पड़े। यस, आप वहां पर अकेले शायद स्नान करने में सफल ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू सो। हा वरुण, आप एक बार गए थे, आगे बोलता है इसलिए वो डर रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और मैं पूल के किनारे बैठ गया और दूसरे बच्चों का वेट करने लगा, दूसरे बच्चों का वेट करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्राउजर ऑफ अ बॉय। कहते हैं आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं बहुत दिन से वहां गया ही नहीं था, एंड देयर मैं बहुत देर तक बैठा ही नहीं था कि इन केम अ बिग ब्राउजर ऑफ अ बॉय, एक बड़ा सा लड़का वहां पर आता है। कैसा लड़का आता है? एक बड़ा सा भारी भरकम शरीर की बात कर रहा है, यानी भारी भरकम शरीर का, जो धौस जमाने का काम करता है, ब्रूजियर उसे बोलते हैं, जो धौस जमाता है, धौस जमाने वाला, धौस जमाने वाला लड़का वहां आता है। प्रोबेबली 18 इयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर भी बाल थे, चेस्ट पर भी बाल थे। ही वाज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो बहुत ही सुंदर शारीरिक रूप से नमूना था, नमूना। स्पेसिमेन माने होता नमूना, नमूना। विथ लेग्स एंड आर्म्स, उसकी लेग्स थी, आर्म्स थी, दैट टू रिपलिंग मसल्स, और उसकी जो मसल्स थी वो रिपलिंग थी, चढ़ी हुई थी, यानी झलकती हुई नसें, झलकती हुई नसें थी। He yelled, yelled माने होता है कहा, कहना, यानी उसने कहा, हाय स्किनी, अरे पतले दुबले लड़के, हाय, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, क्या तुम इसमें डकिंग करना चाहोगे, क्या तुम इसमें डग करना चाहोगे, यानी क्या तुम खोद गोता लगा लिए हो क्या, इसमें इसमें स्विमिंग कर चुके हो क्या, क्या चाहते हो, क्या इसमें तुमने स्विमिंग कर लिया, क्या इसमें आपने स्विमिंग कर लिया। तो विद दैट ही पिक्ड मी अप, इसी के साथ उस लड़के ने मेरे को उठा लिया, एंड टॉस मी इनटू द डीप वाटर, और गहरे पानी में उठा करके फेंक दिया, एंड में किनारे में। I landed in sitting position, और मैं बैठे बैठे बैठी हुई दशा में मैं नीचे जा रहा था, पानी के नीचे, swallowed water, मैं पानी पी गया। अरे भाई, अचानक किसी को आप फेंक दोगे तो आप बोलो भाई पानी पी जाएगा कि नहीं पी जाएगा? नीचे अचानक उसने फेंक दिया और वो बंदा क्या कर गया, पानी पी गया, क्या कर गया, पानी पी गया। अचानक आप जाएंगे नीचे तो पानी तो पियेंगे ना, swallowed water and went at once to the bottom, or at once माने तुरंत में, bottom पर, bottom माने वो जो नीचे का जमीन था, मैं वहां पे पहुंचता हूं। I was frightened means I was full of terror, मैं तो भय से डरा हुआ था, भरा था, but not yet frightened out of my wits, wits माने बुद्धिमत्ता या चतुराई होती, my dear, इतना नहीं डरा था That I could not use my brilliance, my wits, कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग ना कर सकूं। On the way, रास्ते में डाउन जाते समय आई प्लान, मैंने योजना बनाई कि when my feet hit the bottom, कि मेरा पैर जो है वो बॉटम पर जाके टकराएगा, क्योंकि बैठी हुई पोजिशन में नीचे जा रहा था।
तो बॉटम में टकराएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, और जैसे टकराएगा मैं बहुत तेजी से क्या करूंगा, जंप करूंगा, मैं बहुत तेजी से जंप करूंगा। और आगे बोलता है हा नेक्स्ट वन कहता है ये आगे, आई प्लान व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ जंप केयर कम टू द सरफेस, और जंप करने के बाद मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर क्या हो जाऊंगा, लाई फ्लैट, ऐसे ऐसे मैं लेट के तैरने का प्रयास करूंगा, बोलो ऐसे मैं लेट के क्या करूंगा, तैरने का प्रयास करूंगा, समझे ना, लाई ऑन फ्लैट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडलिंग करते हुए, पैडलिंग करते हुए, पैडल माने पैरों से थपकी मारना, करते हुए मैं एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। It seemed a long way down, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं पानी के नीचे जा रहा था तो the way was very long, ऐसा लग रहा था पानी बहुत गहरा है, रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत लंबा है। क्यों भाई, आप लोग बोलो, ये जो आइडिया लगा रहा था राइटर, ये सही था इसका आइडिया या गलत, आप लोग जल्दी बोलो कि नीचे जाऊंगा और जाने के बाद जैसे ही मेरे पैर बॉटम से टकराएंगे मैं जंप मारूंगा और सरफेस पर सतह पर आ जाऊंगा, और सतह पर आने के बाद पानी में मैं फ्लैट हो जाऊंगा और तब आसानी से मैं किनारे आ सकूंगा। जरा बताएं, हाँ रूपल मौर्य, नो 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 नो, बिल्कुल मुस्कान, वरुण, गौरव भाई और हमारे डाकू तो है ही हैं, दिनेश, दिनेश जंगल है, अब ऐसा नाम आप लोग रख लेते हो, वरुण मंगल है, दिनेश जंगल है, नहीं मुगल लिखा है, क्या लिखा है, मुदगल, मैं ध्यान दिख नहीं पाया। चले माय डियर, आप बताओ उसने राइट किया ना, यस राइट, गुड, बिल्कुल सही राज भाई, यू आर राइट एंड डूइंग योर बेस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने सही सोचा कि जैसे जमीन पर उसका पैर टकराएगा वो तुरंत जंप मारेगा और जंप मार करके पानी से बाहर आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जरा सुनो, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, कहता है जो 9 feet का डिस्टेंस था पानी का वो 90 feet का लग रहा था, 90 feet का, एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लेग्स, और बॉटम माई लेग्स, अपने पैर को बॉटम से टच करने के पहले वर रेडी टू बस्ट, मैं अपने आप में परेशान होने के लिए तैयार था, यानी मैं रेडी था, आई वॉन्टेड टू डू माई बेस्ट, मैं बिल्कुल बेस्ट करने के लिए तैयार था, बेस्ट करने के लिए तैयार था माई डियर। फिर कहता है बट वेन माई फीट हिट बॉटम, जैसे ही मेरा पैर बॉटम को हिट करता है, बॉटम से टकराता है माई डियर, तो आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, समंड माने बुलाया, यहां का सेंसेक कलेक्ट किया, मैंने अपनी पूरी ताकत का जोर लगा दिया, पूरी ताकत मैंने अपनी लगा दिया, और लगाने के बाद All my strength, पूरी ताकत से, and made what I thought, और मैंने made what I thought, मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा, was a great spring upwards, मैं सोचा कि बहुत तेजी से upward माने ऊपर की ओर, बहुत तेजी से मैं ऊपर की ओर आऊंगा, upwards ऊपर की ओर आ जाऊंगा, I imagined, मैंने कल्पना किया कि I would bob to the surface like a cork, cork एक मछली होती है, cork की तरह मैं, I would bob, bob माने ऊपर आना, तैरना, मैं cork की तरह फट से ऊपर आ जाऊंगा, जल्दी से मैं ऊपर आ जाऊंगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई, जल्दी से उसने कौर की तरह ऊपर आने की बात कहा, यानी एक क्षण में सतह पर आ जाऊंगा, लेकिन होता क्या है, लास्ट में होता है आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर,
इंस्टेड इसके बजाय, इंस्टेड माने क्या होता है, इसके बजाय, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आया, मैं धीरे धीरे आया, आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, इंसान थे और मुझे कोई चीज माय डियर दिखाई ही नहीं पड़ा, आई कुड सी नथिंग, आई कुड सी नथिंग, मैं मुझे कोई चीज वहां पर दिखाई ही नहीं पड़ी। उसके बाद कहता है बट वाटर, साफ साफ बोलता है क्या कहता है, बट वाटर, पानी ही पानी, वाटर दैट हैड अ डर्टी लुकिंग टू इट, और उसमें डर्टी गंदे कलर का, येलो टिंग हल्का सा भूरा, यानी हल्के पीले रंग का, यहां पर टिंग का मतलब, येलो टिंग का मतलब हल्का पीला, हल्के पीले रंग का मुझे वहां पर पानी दिखता है। आप जब पानी के अंदर रहते हो माय डियर, तो आप बताओ मुझे, पानी के नीचे जब रहोगे, आंख खोल दोगे, तो धुंधला धुंधला कुछ पीले कलर का आपको दिखाई पड़ेगा या नहीं, जल्दी बोलो। हल्का सफेद, एकदम सफेद होता है, एकदम सफेद होता है, या कुछ धुंधला और डिम दिखाई पड़ता है, मुझे आंसर दो, जल्दी बोले। हा शाबास, द ऑल राउंडर वाला सॉलिड भूल गए भाई तुम, पानी पानी रहता है और नहर के पानी जैसा, नहर के पानी जैसा ही दिखाई पड़ता है, नहर के पानी जैसा ही दिखाई पड़ता है। श्रुति पता नहीं क्यों चली गई नाराज होकर के, भाई किसी बच्चे ने कह दिया, उनको नहीं सोचना चाहिए सब क्यों, अरे कोई कहता है इतने में छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी, किट कर गए, चलिए कोई बात नहीं, रेगुलर स्टूडेंट थी उसको नहीं जाना चाहिए था, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर अगर हो तो प्लीज उनसे बात करके बोलना किस तरह बोले हैं और आना है। चलिए मैटर समझ गए ना आप लोग, बोलो चले। हाँ रूपल आप फोन करना और बोलना सर ने बोला है, राधिका आप भी चलिए। आगे सुनिए जरा सा, उसको धुंधला पानी दिखाई पड़ता है, एंड आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी माने डरा हुआ, डरा हुआ, बड़ा मैं डरा हुआ था, बड़ा भयभीत था। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर गया, एज इफ टू ग्रैब अ रोप, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आप बताओ ये लेसन मैंने कभी पढ़ाया नहीं ना, कि पढ़ा चुका हूं इससे पहले, जरा थोड़ा मुझे बताओ, जरा जल्दी बोले आप लोग, मुझे बताओ ये लेसन अभी YouTube पर मैंने पढ़ाया नहीं ना, एकदम क्लियर है आप लोग कि नहीं, जल्दी बोले यस नो में जवाब दीजिए जल्दी से, अगर इसको पढ़ा चुका हूं तो यस बोलिए, इससे पहले, आज से पहले, इससे पहले जल्दी बोलो, और इसके बाद, इससे पहले पढ़ाया तो नहीं हूं, अच्छा नहीं पढ़ाया, नो 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 नो, ओके चलिए चलिए, कंफ्यूजन था थोड़ा सा, अभी मैं फाइल बना लूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया क्या क्या नहीं, चलिए ओके छोड़िए, सेकंड लेसन पढ़ाया हूं मुझे याद है, इसको नहीं पढ़ाए थे, चलिए माय डियर ओके। इसके बाद क्या होता है जरा सुनिएगा, हाँ पैनिक में डर गया, आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, ऐसा लगा कि मैं रस्सी को पकड़ लूंगा, ऐसा लगा कि मैं उसको रस्सी को क्या करूंगा, मैं अचानक पकड़ लूंगा, एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मैं रस्सी पकड़ नहीं पाया, नीचे से आया और रस्सी को नहीं पकड़ पाया, क्लच्ड वाटर, क्लच्ड माने मैंने पकड़ा, और क्या पकड़ा, वाटर। अच्छा श्रुति का कोई मैसेज आ रहा है, मैं देख नहीं पाया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू श्रुति, नाइस ओके चलिए, आई हैव बिलीव ऑन इट, नाइस ओके। अब जरा देखिए, तो बोला प्लस ओनली वाटर, आई वॉज सफोकेटिंग, और सफोकेटिंग का मतलब क्या होता है, उलझन में होना, और बोला मैं उलझन में हो गया, आई ट्राई टू यल, यल माने कहना, Yell means होता है कहना, मैं कहना कहने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, मेरी आवाज नहीं निकल पाई, मैं कहना चाहता लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल पाई,
राइट ना, आवाज ही नहीं निकल पाई. आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर. आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर. मैं फेल हो गई और सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर पहुंचने में फेल हो गया. और लास्ट में क्या बोलता है, आगे बोलता है, स्वालोड एंड चोक्ड, और मैं पानी भी पी गया और मेरा गला अवरुद्ध हो गया, चोक कर गया. मेरा गला क्या कर गया, चोक कर गया, चोक. राइट, उसके बाद क्या होता है, आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप. मैंने अपने लेग्स को ऊपर, टांगों को ऊपर करने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड. मेरी टांगे ऐसी हंगिंग कर रही थी, लगता था वो डेड हो गई, नंबनेस शून्य पड़ गई थी, वेट उनका कोई भार ही नहीं रहा. यानी अस्तित्व विहीन इसको बोलते हैं, अस्तित्व विहीन, यानी उसकी टांगे अस्तित्व विहीन हो गई. माई डियर, I paralyzed and rigid. मैं paralyzed हो गया, and rigid माने जड़ हो गया, यानी fix हो गई मेरी टांगे, fix हो गई उसकी. choked का मतलब होता है अवरुद्ध होना, जैसे कहते हैं ना मेरा गला चोक कर गया, नाली चोक कर गई, उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं. आगे सुनो my dear, paralyzed हो गया, ऐसा लगा कि लकवा मार गया. और आगे बोलता है, पैरालाइज तो समझ रहे ना, लकवा होता है, एंड रिजिड, रिजिड का मतलब होता है एकदम फिक्स हो जाना, और मेरी टांगे मुड़ ही नहीं रही थी, एकदम फिक्स हो गई थी माय डियर, एकदम फिक्स हो गई थी. अपाहिज जैसे बन गया था ये. अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर. एक बड़ा सा फोर्स था वाज पुलिंग मी अंडर, मेरे को पानी के नीचे खींच रहा था. आई स्क्रीम्ड, मैं जोर से चिल्लाया, चीखा, मैं जोर से चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मेरे को केवल पानी ही सुनाई पड़ रहा था, बस पानी ही मेरा सुन रहा था आवाज, और कोई नहीं था वहां. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. और एक बार आया, प्रयास किया, पानी के ऊपर नहीं आया, एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन टू द बॉटम. और इसने क्या कर दिया, अपनी जर्नी को पानी के अंदर फिर से शुरू कर दिया, यात्रा इसकी शुरू हो गई. आगे बोलता है, बॉटम ऑफ द पूल जर्नी बैक, यानी जब पानी में कोई गिरता है माय डियर, आप जानते हो, तो एक बार ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, दो तीन झटके लगाता है, और जब पानी पी जाता है तो फिर वो ड्राउंड हो जाता है, डूब जाता है, पानी पीने के बाद डूब जाता है. लेकिन एक दो झगड़े लगाता है, राइट ना, एक दो झगड़े क्या मतलब, क्या करता है, जंपिंग करता है, डाइविंग करता है, उसी चीज की बात कर रहा है, समझे ना, उसी की बात कर रहा है कि वो दोबारा उसने नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया, दोबारा उसने नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया. चले आगे देखें, I struck at the water. मैं पानी में स्ट्रक कर दिया. As I went down, जब मैं नीचे जा रहा था तो तेजी से स्ट्रक करना, यानी फिर से दौड़ना, यानी जंप लेना. Standing by strength as one in a nightmare flight, fights an irresistible force. Extending, मैं ऐसे यूज कर रहा था, इस प्रकार से मैं कहता है यूज कर रहा था, जैसे स्ट्रेंथ अपनी शक्ति को, एज वन इन नाइटमेयर, नाइटमेयर माने होता डरावने स्वप्न, जैसे स्वप्न में लोग डरते हैं, फाइट करते हैं, इरेसिस्टिबल फोर्स, और ऐसी ताकत लगाते हैं कि जो किसी भी दशा में उनकी ताकत काम नहीं आती है. कभी स्वप्न देख रहे होते हैं आप लोग, तो स्वप्न देखने में कभी ऐसा लगता है ना, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, आपका प्रयास सफल नहीं हो पाता है. राइट, प्रयास तो बढ़िया है लेकिन सफलता नहीं मिलती है उसमें. लाइक्स को बढ़ाइए जल्दी से, लाइक्स को 200 पहुंचा दिया करिए, सफलता नहीं मिलती उसमें, प्रयास किया उसने. आगे बोलता है, I had lost all my breath, मेरी सांसें रुक गई,
सांसें रुक गई माई लंग्स, एक मेरा जो लंग्स था फेफड़ा, एक माने उसका दर्द करने लगा। दर्द क्या है? उसका फेफड़ा जो था वो दर्द करने लगा। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर चकरा गया, दर्द से चकराना, थ्रॉबिंग करने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी माने होता चक्कर आना, और मेरा माइंड चकरा रहा था। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे याद थी क्रियाकलाप, उसका जो तारतम्य था वो मुझे याद था। क्या याद था? तारतम्य मुझे याद था। मैं जानता था कि किस प्रकार से मैं अपने आप को बचा पाऊंगा, किस प्रकार से मैं अपने आप को बचा पाऊंगा और अपनी स्ट्रेटजी यानी अपनी नीति में सफल हो पाऊंगा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं बॉटम से जंप करूंगा ऑफ द पूल, पूल में, एंड केम लाइक अ कॉर टू द सरफेस, और सतह पर दोबारा आऊंगा। I would lie flat on water, वही चीज कि मैं जमीन पर पानी की सतह पर फ्लैट हो जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथों से स्ट्राइकिंग करूंगा, एंड फ्लैश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों को पानी में पटकूंगा। Then I would get to the edge of the pool and be safe, और मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। ऐसा सेकंड टाइम जब पानी के नीचे जा रहा है ना, एक बार आया, सांस लिया, नीचे गया, सेकंड टाइम सोच रहा है ऐसा मैं करूंगा इस बार, राइट? बस यहां तक माय डियर, आज हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वी शैल डू अवर बेस्ट टुमारो, कल की, आज तो फ्राइडे है ना, कि थर्सडे है, फ्राइडे होना चाहिए, कौन सा है जरा बताएं मुझे, कौन सा डे है, जल्दी से बोले, फ्राइडे है ना, कि हाँ फ्राइडे है, फ्राइडे फ्राइडे, आज फ्राइडे है, आज हो गया, कल कल चलेगा, और कल इसको एंडिंग पोजीशन में हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई वांट टू फिनिश द क्लास, and good night everybody, good night everybody.